ये देखो क्या करे, किस्मत ने साथ नहीं दिया तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे प्लीज गलत मत समझना, मेरी कोई गलती नहीं है। मुकद्दर ने साथ नहीं दिया तो इसमें हम क्या ही कर सकते हैं। Respect others and you will be respected. तो ये रहा मेरा नया घर। कल मैंने आपको ये नहीं दिखाया, इसी को देख देख के मेरा दिन निकल रहा है, क्योंकि यार क्या ही बोलो, इसे कितना प्यार है। और रात फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल चल चल। ये बादल की चादर, ये तारों के आंचल, मैं छुप जाए। अस्सलाम वालेकुम, बैक टू चैनल सेठी एक्सप्रेस। होप सब अच्छे हो गए, बढ़िया हो गए। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। सो करते हैं आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट। तो आपको कल के व्लॉग में देखा होगा, मैं फाइनली अपने घर पहुंचा था। तो ये रहा मेरा नया घर। कल मैंने आपको ये नहीं दिखाया, इसी को देख देख के मेरा दिन निकल रहा है, क्योंकि यार क्या ही बोलो, इसे कितना प्यार है। और रात को जो मेरे मेहमान आए, तेरा नाजिम भाई और उनकी गाड़ी दस्ती की गाड़ी, अपना शहनशाह यहाँ पर खड़ा है। अब टाइम आ गया इसको बाय करने का। अभी मुझे जाना है शोपियन, क्योंकि सज्जाद भाई ने बोला यहाँ तक गाड़ी लाओ, मतलब वहाँ पे अभी सज्जाद भाई को गाड़ी हैंडओवर करनी है, उसके बाद मुझे वापस आना है, क्योंकि इसको कहीं का लोड करना होगा। तो मैंने गाड़ी अपनी स्टार्ट रखी और जो अपने कपड़े वगैरह जो भी था सारा सामान वो उतार लिया। तो अभी देखो गाड़ी कहाँ पर है, लास्ट बार देखो है, लास्ट व्लॉग है, बस यही आज का लास्ट व्लॉग है, क्योंकि अब बस मैं गाड़ी उसको देने जा रहा हूँ, इसलिए मैंने सोचा मैं पहले व्लॉग स्टार्ट करूँ, फिर उसके बाद ही निकलते अच्छे से। तो चलो फिलहाल चलते हैं, करते हैं अब शहनशाह को बाय बाय, देते हैं सज्जाद भाई को गाड़ी उधर शोपियन तक, उसको ले चलते हैं, क्योंकि इसको थोड़ा काम कराना है और लोड भी करना होगा। और जो मेरे साथ मेहमान आए हैं वो दूसरी गाड़ी दस्ती की गाड़ी, नाजिम भाई क्या हाल है? और बढ़िया, उसे बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और एक भाई इसके साथ, तो वो देखो भाई की गाड़ी। चलो फिलहाल हम चलते हैं शोपियन, इनको भी मंडी में जाना है, इनको वहाँ से गाड़ी लोड करनी है, तो मुझे सज्जाद भाई को गाड़ी हैंड ओवर करनी है, उसको गाड़ी देनी है, ठीक है? तो चलते हैं। फिलहाल मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट रखी, तो अपन गाड़ी मोड़ करके निकलेंगे जल्दी से जल्दी। तो आज मैं लास्ट बार अब शहनशाह को अच्छे से देखना, मैं आपको अब लास्ट बार दिखाऊंगा, दिल खोल के देखना, जो भी देखना होगा अच्छे से देख लेना, क्योंकि पूरे पूरी पूरी मैं दिखाऊंगा ना। ये देखो क्या करे, किस्मत ने साथ नहीं दिया तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे प्लीज़ गलत मत समझना, मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है? मैं बताऊंगा सब कुछ, क्या हुआ था, क्या मसला हुआ था। तो चलो फिलहाल निकलते हैं, चलो मैं आप आ जाओ मेरे साथ, हम पहले गाड़ी मोड़ेंगे इधर, ओके? ओ गाड़ी बंद हो गई। तो चले निकल गए यहाँ से दोनों भाई, नाजिम भाई की गाड़ी आगे आगे चल गए, मैं भी निकल गया, क्योंकि सज्जाद भाई वहाँ पे वेट कर रहा है, वो फोन पे फोन कर रहा है जल्दी आ जाओ, क्योंकि उसको शायद कुछ काम है गाड़ी का, एनपी का कुछ ऐसा काम है, तो इसलिए थोड़ा जल्दी निकल जाते, जल्दी से जल्दी मेन रोड पर पहुँच जाते, फिर उसके बाद अच्छे से वीडियो शूट कर लेते, क्योंकि यहाँ जो सिंगल रोड है ना, इसमें अगर वहाँ से गाड़ी आती है फिर मुश्किल होता है गाड़ी को साइड देना। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल चल चल। ये बादल की चादर, ये तारों के आंचल, मैं छुप जाए। फलक तक चल साथ मेरे, फलक। अभी हम पहुंच गए मंडी के पास, तो जो नाजिम भाई की गाड़ी है इसको यहीं मंडी में जाना है, तो सज्जाद भाई ने भी फ़ोन किया, बोला अब उधर डीसी ऑफिस के पास ही रोकना, क्योंकि वहाँ कोई डॉक्यूमेंट उसका काम है गाड़ी का, अब इसको इधर ही मंडी छोड़ देंगे, मैं जाऊँगा डीसी ऑफिस तक। तो ये देखो अभी मंडी का मार्केट भी आज मुझे लग रहा है डाउन है, क्योंकि उतनी सारी गाड़ियाँ नहीं है, अब तो माल भी कम होने लग गया और भाड़ा भी बहुत छोड़ गया, अब रेट भी नहीं लग रहा है, मतलब अब ऐसा समझो जो सीज़न था वो अब एंड हो गया, अब बस माल निकल रहा है पर रेट नहीं लग रहा है सही, कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो लंबे रूट पे फिर भी अच्छा रेट लग रहा है, नज़दीक में नहीं लग रहा है सही रेट, तो इसको यहाँ से अंदर ही जाना है। आप देखो इस साइड,
अब क्या बोलूं, कहां से स्टार्ट करूं। गाड़ी छोड़ के मैं आ गया तो अभी वापस अपने घर पहुंच गया। वहां पे मैंने वीडियो नहीं उठाया क्योंकि मतलब क्या ही बोलूं यार, ऐसा कुछ हाल हुआ, ऐसा कुछ मतलब सीन हुआ, मैंने वीडियो नहीं उठाया। तो अभी मैं वापस अपने घर पहुंच गया तो गाड़ी में छोड़ के आ गया, उसको गाड़ी हैंडओवर मैंने कर दी। तो अब बस बैठे गए यहीं पे, क्या करना है, देखते हैं क्या लिखा होगा ऊपर वाले ने। तो करते हैं साहब इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड, क्योंकि मुकद्दर ने साथ नहीं दिया तो इसमें हम क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि मतलब अब टाइम भी बहुत हो गया है। तो रेस्पेक्ट कोई चीज़ होता है भाई, मतलब रेस्पेक्ट अदर्स एंड यू विल बी रेस्पेक्टेड। अब बस इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं, होप सब अच्छे हो गए, बढ़िया हो गए, सॉरी पता नहीं क्या बोल रहा हूँ। आई होप आप सबको मेरा ये व्लॉग वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। सो करते हैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट में, तब तक के लिए सबको अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, लव यू फैमिली, बाय बाय।